मैं उस शहर में पैदा हुआ हूं और आप मुझे एक मिनट दे रहे हैं जिस शहर में मैंने मुसलमान को मुल्ला को राम राम कहते हुए सुना है और हिंदू को जब गमछा बांध के जमुना के किनारे से निकल रहा होता है तो कहता है मौलाना साहब सलाम वालेकुम, मैं उस खसखस लगता आदमी हूं। मैंने वो नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है जहां आपको गोदी मीडिया का अनफिल्टर्ड सच दिखाया जाता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी बजा दें। मैं उस शहर में पैदा हुआ हूं और आप मुझे एक मिनट दे रहे हैं जिस शहर में मैंने मुसलमान को मुल्ला को राम राम कहते हुए सुना है और हिंदू को जब गमछा बांध के जमुना के किनारे से निकल रहा होता है तो कहता है मौलाना साहब सलाम वालेकुम, मैं उस खसखस लगता आदमी हूँ। मैंने वो ऊंचाइयां पे चढ़ाई पे चढ़ते हुए उस घर में रहा हूँ कोयला वाली बस्ती में, जहां पर लोगों को मैंने उस सिर्फ शरणार्थी रहते थे, वो चलने वाले सरदार को कहते थे सत श्री अकाल, मौलाना भी कहता था और वो हिंदू भी कहता था। लेकिन आज हमारे साथी ने उस तरफ से बोला सिखों की बात करते हैं, मैं सिखों की बात या मुसलमानों की या हिंदुओं की बात करने नहीं आया। आगरा जो दुनिया के अंदर मोहब्बत का शहर कहलाता है, सिटी ऑफ लव, जिसके बारे में हिंदुस्तान को पहचानने की अगर कोई खिड़की है तो ताजमहल है, आगरा है। ये वो सूरदास का शहर है, ये वो शहर है नजीर अकबर आबादी का, ये शहर है मोहब्बत का, जहां पर शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत को देखने के लिए दुनिया के लोग उस शहर के सामने तस्वीरें खिंचवाने आते हैं, उस पटरी पर बैठते हैं। मेरी समझ में नहीं आता, मैं तो जान की अमान चाहता हूं, जिस तरह के हालात आज बन गए कि संसद में सर कलम करके किसी के कदमों पर रखते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो सर कलम करने की बात करते हैं और इनके मंत्री जो हैं, उनके विधायक जो हैं, उनके सांसद जो हैं, वो खड़े होकर मंचों पर शोक सभा के नाम पर शोक सभा की बात करते हैं, उसमें संवेदना नजर नहीं आती। बात नजर आती है बंदूकों की, बात नजर आती है गोलियों की, बात नजर आती है, बात कही जाती है लाठियों की, बात कही जाती है रेखाएं खींचने की। मैं उस शहर में पैदा हुआ हूं और आप मुझे एक मिनट दे रहे हैं जिस शहर में मैंने मुसलमान को मुल्ला को राम राम कहते हुए सुना है और हिंदू को जब गमछा बांध के जमुना के किनारे से निकल रहा होता है तो कहता है मौलाना साहब सलाम वालेकुम, मैं उस खसखस लगता आदमी हूं। मैंने वो ऊंचाइयां पे चढ़ाई पे चढ़ते हुए उस घर में रहा हूं कोयला वाली बस्ती में, जहां पर लोगों को मैंने उस सिर्फ शरणार्थी रहते थे, वो चलने वाले सरदार को कहते थे सत श्री अकाल, मौलाना भी कहता था और वो हिंदू भी कहता था। लेकिन आज हमारे साथी ने उस तरफ से बोला सिखों की बात करते हैं, मैं सिखों की बात या मुसलमानों की या हिंदुओं की बात करने नहीं आया, मैं एक उस बेटे की बात करने के लिए आया हूं, मैं उस मां के उस बेटे के लिए बात करने के लिए आया हूं, मैं उस पति की बात कहने के लिए आया हूं, मैं उस बाप की बात कहने के लिए आया हूं जिसका 25 तारीख को कत्ल हुआ है, जिसकी हत्या हुई है, हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए, मैं वो कहने के लिए आया हूं। लेकिन उस हत्यारे के बिना पर आगरा जो दुनिया के अंदर मोहब्बत का शहर कहलाता है, सिटी ऑफ लव, जिसके बारे में हिंदुस्तान को पहचानने की अगर कोई खिड़की है तो ताजमहल है, आगरा है। ये वो सूरदास का शहर है, ये वो शहर है नजीर अकबर आबादी का, ये शहर है मोहब्बत का, जहां पर शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत को देखने के लिए दुनिया के लोग उस शहर के सामने तस्वीरें खिंचवाने आते हैं, उस पटरी पर बैठते हैं। मुझे मालूम है गृह मंत्री महोदय यहां पर बैठे हुए हैं और मैं इसलिए भी उनका आदर करूंगा कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने मोहब्बत की बात को वहां पर चाहे कुछ भी रहा हो पार्टी का, लेकिन उन्होंने मोहब्बत के साथ में गांव के लोगों का दिल जीतने का कोशिश किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो अगर वहां पर किसी एक व्यक्ति की अगर वहां पर हत्या हुई थी, मैं वहां पर हत्या वाली जगह पर खड़े होकर मैंने इनको फोन किया था, मुख्यमंत्री ने मेरा फोन उठाया था और उस हत्यारे को सजा देने के लिए उन्होंने वादा किया था, जबकि इन्हीं की पार्टी का एक सभासद था। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं, आज मैं फिर आपसे गुहार करने के लिए आया हूं। आज आप इस देश के गृह मंत्री हैं, मैं आप माननीय महोदय कहें तो मैं बैठ जाऊंगा। ये बात आगरा की नहीं है, ये बात उस मोहब्बत के शहर की है जिसको नफरत की प्रयोगशाला की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं उस शहर की बात कर रहा हूं, आगरा शहर। मैं बोलता बहुत कम हूं बस चेयरमैन साहब, मैं कभी कभी बोलने की कोशिश करता हूं, मैं रोज रोज नहीं बोलता हूं, लेकिन जब बोलता हूं तो यहां से बोलता हूं और मुझे बोलने दिया जाए। मैं आज उस शहर की बात कर रहा हूं जिस शहर के अंदर
मामूली मामूली लोग सिर्फ इसलिए वहां पर चलते हैं कि मुझे उसके साथ में रोजगार करना है। वो जिसके हिंदू की दुकान थी या मुसलमान की दुकान थी, बात ये नहीं है। उस दुकान पे काम करने वाला कौन था? अभी बंद करो। कैसे बंद कर दूं? अब तो खुलने का समय आया, आप कहते हैं बंद कर दूं। ये दुकान नहीं है, ये इंसानियत की उस चौखट को ताला लगाने की कोशिश की जा रही है। वो आरएसएस, वो बीजेपी के लोग वहां पर खड़े होकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं, और यहां पर बैठकर वो लोग आज कहते हैं कि हम इस देश के अंदर हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं। ये राजनीति विकास की नहीं हो रही, ये राजनीति नफरत की हो रही है। और नफरत को पालने वाले वो लोग, जिन लोगों को दो बार से अगर सांसद बने हैं और मंत्री बने हैं, बिल्कुल सही कहा हमारे साथी ने, वो डिग्री क्या है मुझे नहीं मालूम, वो कहाँ पढ़े हैं ये भी नहीं मालूम, लेकिन जो जबान वो बोल रहे हैं वो एक अनपढ़ से भी गई गुजरी जबान है। वो इंसान की जबान नहीं बल्कि ऐसे ऐसे शख्स की जबान है। राक्षस कहना छात्रों को, अगर ये कहना कि ये कुत्ते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा ऐसा व्यक्ति। Channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.